सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हार के डर से बिगमोहन ने नाटक किया है, तो जरा मुख्यमंत्री जी आप जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ने, मैं उनको चैलेंज करता हूं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने आऊंगा और वो मुझे हराकर दिखा दे। जहां से चाहे वहां से सीट का निर्णय वो करें, मैं नहीं करूंगा। अगर उनमें दम है तो मैं ताल ठोक रहा हूं, वो भी ताल ठोके। अभी तो उनकी स्वयं की सीट संकट में है। और जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ धारा 307 आईपीसी के तहत वो आरोपी रहा है। बाकी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? और जब मैंने दो लोगों का नाम लिया है कि ये सब उनके गुर्गे हैं, जरा वो बताए कि गरीब नवाज स्कूल में बैठकर ये निर्णय हुआ था कि नहीं कि बृजमोहन के ऊपर में हमला करना है? मेरा जो दौरा होता है वो गोपनीय नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है, पुलिस को सूचना दी जाती है। मैं इसके पहले बैरन बाजार में भी घूमा हूं, छोटा पाला में भी घूमा हूं। आखिर महापौर के वार्ड में ही ऐसा क्यों? मैं मुख्यमंत्री से जवाब चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी क्या आप अपने वरिष्ठ विधायक साथी के खिलाफ में आपने जो अपशब्दों का उपयोग किया है उसके लिए आपको कुछ अफसोस है, कुछ शर्मिंदगी है? क्या आप उसके लिए माफी मांगेंगे? और मैं छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान करूंगा कि जो मुख्यमंत्री इतना घमंडी हो गया है, इतने गुरूर में आ गया है, जो माफियाओं को, अशांति फैलाने वालों को, माफिया राज करने वालों को प्रश्रय दे रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री और उसकी पार्टी को जो पूरे छत्तीसगढ़ में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लोग ऐसी पार्टी को और उनको वोट देंगे? इस पर निर्णय जनता करे। शराब घोटाले में जब छापा पड़ा तो ईडी ने साफ कहा था कि ढेबर अपना कट रखकर अपने पॉलिटिकल मास्टर को सारा पैसा भेजते हैं। अब ढेबर फैमिली के पॉलिटिकल मास्टर कौन है? जनता पूछती भी है और जनता जानना भी चाहती है। भूपेश बघेल जी शायद देश के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास ना कोई नीति है, ना उनकी कुछ बेहतर करने की नीयत है। अराजक, असामाजिक, आपराधिक तत्वों को संरक्षण देकर
छत्तीसगढ़ को बर्बाद करना, यही उनकी फितरत है। धन्यवाद सर। ब्रजमोहन जी, मेरा एक सवाल है। छत्तीसगढ़ में राजधानी जब से छत्तीसगढ़ बना और उससे पहले से भी बहुत शांत रहा है, इस तरह की कोई घटनाएं कभी हुई नहीं है, चुनाव भी बहुत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में होता रहा है, इस बार ऐसा क्या हो गया कि इस तरह की स्थिति हो रही है? इस बार 75 पार का नारा उनका फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार उनको डर सता रहा है कि कितने दिनों तक बड़े घर में जाने से बचते रहेंगे, और इसलिए उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, और इसलिए इस प्रकार के घटिया निम्न स्तरीय और उल जलूल शब्दों का उपयोग कर वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक सवाल है, सवाल ये है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो है शब्द बाढ़ जो लगातार चल रहा है वो डॉक्टर रमन सिंह जी की तरफ से दिख रहा है और मोहन जी की तरफ दिख रहा है, चाहे अखबार की कतरने आप देख लें, चाहे छोटे पर्दे पे जो है देख लें। देखिए, जो दिखेगा वही तो बिकेगा ना। सर, सर मेरा सवाल है, सर मेरा सवाल है, सर सर आपने, सर आपने कहा कि जो लोग आप लोग के ऊपर हमला करने आए थे, क्या वो लोग हथियार भी लेके आए थे क्या? निश्चित रूप से, सामान्यतः वो लोग पेंट शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं, परंतु उस दिन विशेष रूप से पजामा कुर्ता पहनकर, पठान ड्रेस पहनकर 20-25 लोग वहां पर किनारे खड़े हुए थे। संजय नगर और आपने बैंडाकवाला का जिक्र किया, अभी कहीं ना कहीं दोनों इलाकों पे धर्म विशेष के लोग ज्यादा रहते हैं, तो क्या इन दोनों को डराने की कोशिश की जा रही है क्या? निश्चित रूप से अपने पैसे के दम पर, अपने संरक्षण के दम पर, अपनी दादागिरी की जो छवि है उसके दम पर बहुसंख्यक समाज को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, जिसको कभी भी, मैं तो लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि हमें हथियारों से बदला नहीं लेना है। हमारे पास में सबसे बड़ा हथियार वोट का हथियार है, 17 तारीख को उसका उपयोग कर इनको पूरा जवाब दे दीजिए। आपने आपने 14 तारीख बताया, आज क्यों नहीं? और पॉलिटिकल मास्टर कौन है, आप बता सकते हैं? अच्छा, इसी संबंध में और सवाल है, अभी आपने कहा कि 14 तारीख का डेट राजू दक्षिण, सर इसी संबंध में सवाल है कि राजू दक्षिण के चुनाव को ठेके में दे दिया गया है और छत्तीसगढ़ के और कितनी सीटों को इसी तरह ठेके में दिया गया है? अंबिकापुर की सीट को दिया गया है। और 14 पॉलिटिकल मास्टर का नाम महादेव वेब सट्टा में 508 करोड़ रुपए लेने के लिए आ चुका है। जी, आप बार बार ढेबर ब्रदर का नाम ले रहे हैं, क्या चुनाव ब्रिजमोहन अग्रवाल एजाज ढेबर है या ब्रिजमोहन अग्रवाल महंत हो गया? महंत जी तो बेचारे कहीं प्रत्याशी है ही नहीं, उन्होंने तो कह दिया मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़वाया जा रहा है। ये चुनाव भूपेश बघेल और उसके गुर्गों के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति के खिलाफ है। सैनिक से ज्यादा लिख से दी शिकायत की है, अभी तक हम 12 शिकायतें पुलिस में कर चुके हैं और उन शिकायतों में पुलिस प्रशासन के द्वारा, अरे छोटी मोटी घटनाओं पर 151 को उठाकर बंद कर देते। हमारी 12 शिकायतों के बाद में आपने किसके खिलाफ में कार्रवाई की है? अगर आप कोतवाली में धरने में नहीं बैठते तो शायद वो FIR भी नहीं लिखते, जो एक बंदे को उठाया वो भी नहीं उठाते। इसी से एक सवाल है मेरा कि
पुलिस की कार्य प्रणाली पे लगातार आप जो आरोप लगा रहे हो दिखाई भी दे रहा है, तो सर ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाए? और दूसरी बात, आपने कहा कि मुझे जान का भी खतरा है, तो हम यही तो कह रहे हैं चुनाव आयोग से कि यहां पर निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जो हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की पुलिस है वो पुलिस निष्पक्ष चुनाव करवाने में सक्षम नहीं है। पुलिस भी कांग्रेस पार्टी का एक पक्षकार बन गई है, कांग्रेस पार्टी की समर्थक बन गई है, भूपेश बघेल जी की समर्थक बन गई है। अग्रवाल जी आपने कहा है कि बैठक की जानकारी पहले से आपको थी, घटनाक्रम से पहले, तो क्या आशंका था क्या इस तरीके से घटना हो जाएगा और इसकी शिकायत? देखिए, मैं कोई आशंका नहीं करता, रायपुर शहर में मैंने जैसा कहा मेरा घर है, घर में मतभेद हो सकते हैं पर मतभेद नहीं होते। पिछले 40 सालों में कोई ऐसी हिमाकत ना किसी ने की है और मेरे जिस प्रकार के संबंध है ना ऐसी कोई हिमाकत कर सकता। जब तक उनके पीछे कोई बड़ी शक्ति ना हो, और वो शक्ति भी नहीं है, वो तो आसुरी शक्ति है। भैया, जब आपके ऊपर हमला हुआ था तो कहा गया था कि बृजमोहन जी जो है नौटंकी कर रहे हैं, अब तो एक आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है, क्या कहेंगे? अब ये मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, और मैं तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, अगर आप जनता के द्वारा चुने गए 7 बार के जनप्रतिनिधि के खिलाफ, 4 बार मंत्री रहे हुए व्यक्ति के खिलाफ, और आप इस प्रकार की अश्लील टिप्पणी कर सकते हैं, तो फिर से मेरा एक बार मुख्यमंत्री जी को है कि मुख्यमंत्री जी, मेरा चैलेंज है, आप सीट चुनिए, वहां से मैं आकर आपके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और आपको हरा कर दिखाऊंगा। प्रचार में और कई जगह जाना है और ऐसी हरकतें एक बार हो गई तो क्या आप सुरक्षा की अतिरिक्त मांग करेंगे, कैसे आप बाकी जगह कैसे कंडक्ट? ऐसा है, उस दिन भी मुझे मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे साथियों ने और मेरे व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मियों ने बचाया है, और अब कोई हिमाकत करेगा तो हम वहीं पर उसका जवाब देने के लिए, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम सीधी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। सर, आप पर जहां हमला हुआ है, कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराना और धमकाना चाहती थी कि हम बृजमोहन के साथ में ऐसा कर सकते हैं तो तुम किस खेत की मुड़ी हो? अग्रवाल जी, 35 साल में बादशाह, क्या कांग्रेस के लिए चुनौती है? क्या केरल और इस तरीके की संभावना यहाँ नजर आ रही है, क्या पश्चिम बंगाल जैसी? देखिए, जो भूपेश बघेल की है वो रायपुर को, छत्तीसगढ़ को केरल और पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं, परंतु हम नहीं बनने देंगे। ऐसा है, अगर 98% लोगों के साथ में अन्याय किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, तो शांत जरूर है, वो वायलेंस में विश्वास नहीं करते, परंतु समय आने पर जब उनको मौका मिलता है वो उसका बदला भी ले लेते हैं। आज ही शिकायत करेंगे। मंत्री की 17 सीटें बची हैं, कितना असर पड़ेगा अभी जो घटना हुई आपके साथ उसका? आपका सियासी का जितना ऊंचा है कि आपका जो सोच भी नहीं सकता, इस बात को हल्के में लेते हैं कि
अब कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है तो उससे आप अंदाज लगा लीजिए, जो घुसपैठिए हैं और जिनको सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए तैयार किया जाता है, ऐसे लोगों का तो कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों का तो इलाज है कि उनको शूट आउट किया जाए।